पुण्यानंतर नागपूर देखील क्राईम हब बनत चालला आहे. चोरी, बलात्कार आणि हत्या नागपूरकरांसाठी जणू एक सामान्य बाब झाली आहे. क्षुल्लक कारणावरून हत्या झाल्याचं समोर येत आहे. अशातच काल रात्री कळमना पोलीस स्टेशन हद्दीत डिप्टी सिग्नल संतोषीनगर येथे गाडीची कट लागल्याने वाद झाला आणि वाद एवढा विकोपाला गेला की अल्पवयीन आरोपीने 3 युवकावर सपासप चाकूने वार केला. यात एकाचा मृत्यू झाला असून 2 गंभीर जखमी झाले आहे. नागेश सोनसाखी असे हत्या झालेल्या युवकाचे नाव आहे, तर करण बिरजू हिरा असे आरोपीचे नाव असून पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. सोबतच अल्पवयीन आरोपीला देखील ताब्यात घेतला आहे. पुढील तपास कळमना पोलीस करीत आहे. संतोषी नगर डिप्टी सिग्नल यहाँ पे झगड़ा भांडण होने की वारदात मिलने पर हम स्पॉट पे गए, तो हमको पता चला कि नागेश सोनसाठी और उसके 2 दोस्त इनको किसी ने चाकू मारा है और उनको मेओ में लेके गए. उसके बाद नागेश सोनसाठी इनका मेओ में देहांत हो गया. उसके ऊपर फिर हमको पता चला कि इसमें से 2 आरोपी है जिन्होंने उनको चाकू से मारा है, तो हमने उनको तलाश लेके इसमें से करण बिरजू हीरा इसको अरेस्ट कर लिया और एक नाबालिग उसको भी हमने हिरासत में ले लिया है. इसमें से विधि संघर्ष इनमें से जो विधि संघर्षग्रस्त बालक है उसकी उम्र 16 साल 8 महीने है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है. दूसरे भी जो दूसरा जो आरोपी है करण हीरा उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है अभी तक. और इसमें जानकारी ये है कि ये जो गाड़ी का कट लगने से उनके दोनों में आपसी झगड़ा हो गया, उसके प्रवेशन उसका मारपीट में हो गया और उसके बाद जो विधि संघर्ष बालक है उसने चाकू निकाल के इन 3 बच्चों को मारा. उसके वजह से वो जख्मी हो गए और उनमें से एक को बहुत जबरी चोट लगने से उसके देहांत हो गया है.